आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप अपने फ़ोन में इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हैं और इंस्टाग्राम में आपको ये प्रॉब्लम एरर आ रही है, वी आर सॉरी बट समथिंग वेंट रॉन्ग प्लीज़ ट्राई अगेन, तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम ठीक कैसे करें। तो इसके लिए आप इंस्टाग्राम ऐप से बाहर आइए। अब उसके बाद आप अपने फ़ोन की सेटिंग्स ओपन करिए। अब सेटिंग में आने के बाद नीचे आ जाइए और नीचे आने पर ये ऐप्स आएगा, तो यहाँ पर ऐप्स पर क्लिक करिए। उसके बाद ऊपर ये मैनेज ऐप्स आएगा या फिर ऐप मैनेजर आएगा या फिर ऐप मैनेजमेंट आएगा, तो इन तीनों में से किसी एक नाम से आपके फ़ोन में आ सकता है। हमारे फ़ोन में जैसे कि ये मैनेज ऐप्स के नाम से आ रहा है, तो इस पे आप क्लिक करिए और इसे ओपन करिए। तो अब इसे ओपन करने के बाद आपके फ़ोन के सारे ऐप आ रहे हैं, तो यहाँ पर आने के बाद आप नीचे आ जाइए और नीचे आने पर आएगा ये इंस्टाग्राम कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे ये जो इंस्टाग्राम आएगा इस पर आप क्लिक करिए, उसके बाद ऐसा पेज आएगा। अब यहाँ पे आने के बाद नीचे ये जो फोर्स स्टॉप आएगा इस पर क्लिक करिए, उसके बाद ओके आएगा, ओके पे क्लिक करिए। उसके बाद ऊपर आएगा ये स्टोरेज या फिर स्टोरेज यूसेज, तो इस पर क्लिक करिए। नीचे क्लियर डेटा पे क्लिक करिए, क्लियर ऑल डेटा करिए, उसके बाद अब ओके पे नीचे क्लिक करिए। तो ये करने से कोई आपका डेटा या फिर कुछ आपके फ़ोन से डिलीट नहीं होता है। तो ये सेटिंग्स अप्लाई करने के बाद बैक आ जाइए। अब जब आप बैक आएंगे तो सेटिंग में नीचे आकर आएगा ये एडिशनल सेटिंग्स, तो इस पर क्लिक करिए। उसके बाद ऊपर आएगा ये डेट एंड टाइम, तो डेट एंड टाइम पे क्लिक करिए। उसके बाद ऊपर आएगा ये सेट टाइम ऑटोमेटिकली, तो अगर आपका ये बंद है तो इसे ऑन करिए। अब यहाँ पे इसे ऑन करने के बाद यहाँ से बाहर आ जाइए। उसके बाद अपने फ़ोन में प्ले स्टोर ओपन करिए, ऊपर सर्च बार पे क्लिक करिए, इंस्टाग्राम सर्च करिए और यहाँ पे उसके बाद चेक करिए अगर इंस्टाग्राम में कोई अपडेट आया है, तो इस एप्लीकेशन को यहाँ से अपडेट करिए। अगर नहीं आया है तो यहाँ से आप बाहर आइए और ये सारी सेटिंग्स अप्लाई करने के बाद अब इंस्टाग्राम ऐप ओपन करिए और यहाँ पे अब ये एरर नहीं आ रही है। तो इस तरीके से आप इस प्रॉब्लम को ठीक करें। तो अब इसे ओपन करने के बाद आपको अपना अकाउंट फिर से लॉगिन करना पड़ेगा, तो लॉगिन पे क्लिक करिए या फिर आपसे आईडी पासवर्ड मांगेगा, तो वो अपनी डिटेल्स एंटर करके अपना अकाउंट फिर से लॉगिन करिए। तो इस तरीके से आप इस प्रॉब्लम को ठीक करें। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें।